नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय डिजिटल न्यूज चैनल MNT न्यूज। पूनम जायसवाल के साथ। पनेरा निवासी ने पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। उचित कार्रवाई न होने से मन बढ़ो के हौसले बुलंद। न्याय के लिए दर दर भटक रही पीड़िता। मामला महाराजगंज जिले के पनेरा थाना क्षेत्र के पनेरा खास का है, जहाँ जीनत खातून पत्नी मोहम्मद आलम की शादी 2014 में हुई थी और निकाह के एक वर्ष बाद से ही उसके पति, सास, ससुर, ननद और देवर दहेज की और मांग करते हुए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे, जिससे आज ही जाकर प्रार्थनी जीनत अपने मायके चली गए। और प्रार्थनी का एक बच्चा भी है जो अब 6 साल का हो चुका है, जिसका नाम अयान है। जीनत का पति मोहम्मद आलम विदेश में रहकर कमाई करता है और बीते 11 फरवरी को बगैर आपसी सहमति के और तलाक के दूसरी शादी कर लिया, जिसकी सूचना जीनत द्वारा पनेरा पुलिस को दी गई, परंतु पनेरा पुलिस द्वारा मामले में प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गौरतलब है कि केंद्र और प्रदेश की सरकारें 3 तलाक कानून का डंका तो पीटती हैं, पर धरातल पर इसका क्या असर है? आप इस मामले को लेकर स्पष्ट रूप में से समझ सकते हैं कि जबरदस्ती दूसरी शादी कर ली जा रही है और शासन प्रशासन मौन बना बैठा है। ऐसे में कानून बना देने भर से सभी को न्याय नहीं मिल पाएगा, बल्कि उसका अचरज पालन होना आवश्यक है, जो कि इस मामले को देखकर ऐसा लगता है कि इस कानून का लाभ बहुत से लोग नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यह कैसे संभव हुआ कि एक पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी कैसे हो सकी? क्या दूसरी शादी करने और कराने वाले को 3 तलाक कानून का कोई भी डर भय नहीं है, या फिर इस मामले में कुछ और ही हकीकत है? आइए देखते हैं पीड़ित महिला का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जीनत खातून। अच्छा, क्या मामला है आपका? सर, मेरे हस्बैंड जो हैं वो विदेश रहते हैं और मेरी शादी जो है 2014 में हुई थी, उसके 1 साल के बाद ये जो है दुबई चले गए। अब घर पे जो है हर तरीके से हमको जो है प्रताड़ित किया जाता था हर चीज़ के लिए। उसी बीच जो है जैसे प्रेग्नेंट हो गए हम, और हमारे घर वाले जो हैं उसको लेकर भी हमको जो है बहुत टॉर्चर करते थे, दवा के लिए और हर चीज़ के लिए, मतलब कोई सुविधा हमको नहीं देते थे, खाने से पीने से कोई भी चीज़ हमको वहाँ नहीं मिलती थी। तो इसी बीच सर जो है हम जो है कोर्ट में गए उसके अपने इंसाफ के लिए कि हमको जो है हमारे साथ ये उत्पीड़न हो रहा है। इसी बीच जो है सर वो विदेश जो है कोर्ट केस चलते हुए, उनके ऊपर मुकदमा होते हुए वो धोखे से जो है वो विदेश चले गए। अब विदेश जाने के बाद जो है 2-3 साल हमसे खर्चा, हम कहते रहे कि हमको खर्चा दो, लेकिन हमको एक पैसे से उस आदमी से कोई मतलब नहीं रहा। फिर वो आदमी यहाँ पे आया घर पे, एक लड़का भी आया इनको, हाँ एक लड़का हुआ हमारा, और वो आज इस समय 6 साल का है। अच्छा। और वो फिर आने के बाद सर इस बीच वो चुपके से जो है 11 तारीख को, दिन शुक्रवार को, उसने जो है वो शादी कर ली। कैसे आपको पता चला था? सर इसकी जानकारी जो है हमें हमारे जो है वो संबंधी से जी, उससे पता चला हमको। अच्छा, तो क्या पता चला उसमें? ये पता चला कि घर के रजामंदी से और उनके चाचा, उनके घर वाले सब शामिल थे निकाह में। रात में 9:30 बजे करीब 10 बजे धोखे से वो शादी कर लिए। अच्छा, तो क्या इसकी लड़की वालों को पता था कि घर वाले, लड़की वालों के घर वाले सब शामिल है, उनको मालूम है कि एक बीवी है और 6 साल का इनका लड़का है। ये जानते हुए घर वालों के जो गार्जियन है, उनके बाप, लड़की भी यहाँ तक जान रही थी कि वो जो है वो शादीशुदा है आदमी और उसका एक बच्चा है, ये जानते हुए उसने उससे निकाह किया। क्या तलाक हो गया था क्या आप लोगों का? जी नहीं, बिना रजाम नहीं, नहीं तलाक नहीं हुआ था सर। अच्छा अच्छा। बिना हमारे जानकारी के ना हमसे कुछ पूछा गया, चुपके से वो जो है उसने 11 बजे रात में उसने निकाह कर लिया। इसकी जानकारी हमको शनिवार को हुई सुबह। तो इसकी सूचना किसी को आपने दिया? जी, इसकी सूचना हम जो 1090 पे भी हमने सूचना दी जी, महिला हेल्पलाइन को, और मुख्यमंत्री का जो हेल्पलाइन है वो 1076 उस पर भी सूचना दी, लेकिन आज तक हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। 112 पे भी हमने सूचना दी लेकिन हमें कोई रिस्पांस वहाँ से मिला नहीं। DIG के पास गए, फिर बरगदमा थाना चिलुआताल पे गए, पनियारा थाने पे भी जा चुके सर, हमसे वहाँ से संतुष्टि कुछ नहीं मिल रही है। अभी भी मैं इंसाफ के लिए लड़ रहा।